यूपी की बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 ई-रिक्शा, 1 किलो 400 ग्राम गांजा, 500 नशीली गोली जब्त की गई है, जिनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें, तीनों आरोपी ई रिक्शा चालक को नशीली पदार्थ खिलाकर बेहोश करते थे, जिसके बाद ई रिक्शा चोरी कर नंबर प्लेट हटा देते थे, जिससे उनकी पहचान ना हो सके। उदय यादव, ब्यूरो चीफ, बुलंदशहर की रिपोर्ट। इगलौटी थाने पे मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें ई रिक्शा चोरी किया गया था, उसको उसने नशीला पदार्थ खिला करके उसके सूचना पर इगलौटी पुलिस सक्रिय हुई। इन्होंने उसकी छानबीन की, उसमें तीन व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया। एक समीर है, एक कलुआ है, एक इकराम है। इसमें से दो मेरठ के रहने वाले हैं। इन लोगों द्वारा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में घूम घूम करके इस तरह की घटनाएँ की जा रही थी।